जय माता दी। इस वीडियो में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको शारीरिक कमजोरी हमेशा देखने को मिलती है, यानी कि शारीरिक दुर्बलता जिन लोगों को रहती है। पति पत्नी के आपसी तालमेल भी इसी कारण हमेशा खराब होते चले जाते हैं। शारीरिक कमजोरी रहने के कारण पति पत्नी बेडरूम का सुख भी अच्छे से नहीं ले पाते, जिसके कारण कई बार तो तलाक जैसे हालात देखने को मिल जाते हैं, या कई बार लाइफ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होकर के रह जाती है। जन्म कुंडली में भी ऐसे खराब योग बनते हैं जिसके कारण इस तरह के हालात जीवन में रहते हैं। उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से खराब ग्रहों के कारण ऐसे हालात बनते हैं और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। पति पत्नी के आपसी निजी सुखों के लिए, आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तालमेल के लिए शुक्र देव को देखना बेहद जरूरी है। शुक्र देव जब जन्म कुंडली में खराब अवस्था में हो रहा हो तो कहते हैं कि पति पत्नी के आपसी तालमेल में भी कमियां रहेंगी, किसी भी तरह के हालात ऐसे बनेंगे कि आपसी लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन जब भी जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध खराब शुक्र होकर के बैठा हो, जन्म कुंडली में जो भी लॉ बनते हैं शुक्र को खराब करने के, शुक्र खराब हो रहा हो और खराब मंगल के साथ उसका संबंध बन जाए, तो शरीर के अंदर एक ऐसी कमजोरी आने लगती है जिसके कारण पति पत्नी संभोग का सुख अच्छा नहीं ले पाते, बेडरूम का सुख अच्छा नहीं ले पाते। एक तो हो गया ये योग। दूसरा योग, खराब बृहस्पति का संबंध भी अगर शुक्र के साथ बन रहा हो और बृहस्पति पूरी तरह से शुक्र को खराब कर रहा हो, या किसी भी तरह से राहु का संबंध भी शुक्र के साथ बन के उसको खराब कर रहा हो, तब भी इस तरह के खराब हालात आम देखे गए हैं कि इंसान के शारीरिक कमजोरी इंसान को ऐसी रहती है जिसके कारण पति पत्नी के सुख, निजी सुख अच्छे नहीं रह पाते। इंसान देखने में चाहे बिल्कुल फिट हो, चाहे बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में दिखे, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि अंदरूनी कमजोरी ऐसे आने लगती है जिसके कारण इस तरह के खराब हालात जीवन में देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ताजो हम इस तरह के खराब योगों को दूर कर सके और पति पत्नी के आपसी तालमेल भी अच्छे हो सके। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जीवन का एक नियम बना लेना चाहिए कि काली गाय की सेवा ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। शुक्र जो है वो गाय हैं और काले रंग की गाय यानी कि शनि का मिश्रण, तो शनि की सपोर्ट शुक्र को ऐसी अवस्था में मिलनी बहुत जरूरी है। जितना काली गाय की सेवा करोगे उतना आपका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। और साथ ही ऐसे लोगों को अगला उपाय, एक चांदी की डिब्बी लेकर के उसमें शहद भर के उसको बाहर वीरान जमीन में दबाना बेहद जरूरी है। और साथ ही सात मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लोटे के बाहर करके लाल रंग के कपड़े से मुंह बांध के इसको मंदिर में देना जरूरी है। अगर इसको आप हनुमान मंदिर में देते हो तो सबसे अच्छा रहेगा। और साथ ही सात पीली रत्तियां और एक सोने का चकोर टुकड़ा पीले सूती कपड़े में अच्छे से सिलाई करके इसको अपने पास रखना जरूरी है। मात्र अगर आप ये उपाय करके चलते हो, किसी भी तरह से शुक्र की खराबी दूर होगी। और ऐसे लोगों को एक नियम और बनाना चाहिए अपने जीवन में, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। चाहे ऐसे लोग सुबह उठ करके सैर करने के लिए जाएं, चाहे जिम में जा करके एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे आपके अंदर बृहस्पति की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब आपको सांस चढ़ेगी एक्सरसाइज करते हुए तो जो आप हवा लोगे यानी कि बृहस्पति आपके अंदर जाना शुरू होगा, अच्छे वाला बृहस्पति। अगर आप सुबह सुबह उठ करके योगा करते हो, सैर करते हो, दौड़ लगाते हो, ये सबसे अच्छा उपाय है बृहस्पति को अच्छा करने का, जिससे हम फ्रेश हवा, अच्छा बृहस्पति को जब हम अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर हमें एक ऐसी एनर्जी देता है जो पति पत्नी के संभोग के सुखों को पूरी तरह से अच्छा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो मात्र आप ये उपाय करके देखिए, इन उपायों से जरूर फायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता।